गुड मॉर्निंग. टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. द कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग PLA. फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलो. फर्स्ट प्रिपेयर द ट्रू टेबल्स. सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रू टेबल्स. सेकेंड, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन इन SOP फॉर. उसके बाद हम लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में? SOP. SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. ऑब्टेन द मिनिमम SOP फॉर टू रिड्यूस नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स. हम मिनिमम SOP टर्म्स लिखेंगे और उसको हम KMAP के थ्रू क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट टर्म को हम रिड्यूस करेंगे. फोर्थ, प्रिपेयर द PLA प्रोग्रामिंग टेबल. PLA प्रोग्रामिंग टेबल कंटेंट्स 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम लिस्ट प्रोडक्ट टर्म्स न्यूमेरिकली. सेकेंड कॉलम स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड पाथ बिटवीन इनपुट एंड एंड गेट्स. थर्ड कॉलम स्पेसिफाई द पाथ बिटवीन एंड एंड और गेट्स. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, डिसाइड द इनपुट कनेक्शंस ऑफ एंड मैट्रिक्स एंड इनपुट कनेक्शंस फॉर और मैट्रिक्स. सिक्स, डिसाइड द कनेक्शंस ऑफ इनवर्ट एंड नॉन इनवर्ट मैट्रिक्स प्रोग्राम्स ऑफ PLA. नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ PLA. एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इज जस्ट सी राइट. ए कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड बाय फंक्शंस F1 फंक्शंस ऑफ ABC इक्वल टू समेशंस ऑफ M457 एंड F2 ABC इक्वल टू समेशंस ऑफ M357 गिवन मीन टर्म F1 एंड F2. इम्प्लीमेंट द सर्किट विथ PLA हैविंग 3 इनपुट्स 3 प्रोडक्ट टर्म्स एंड 2 आउटपुट्स. अब हमें इस सर्किट को PLA के थ्रू हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है कॉम्बिनेशनल सर्किट को. तो टू फंक्शंस गिवेन है, 3 इनपुट्स ABC 3 वेरिएबल्स इनपुट्स हैं एंड 2 आउटपुट्स F1 F2 है. तो प्रोडक्ट टर्म अगर 3 वेरिएबल्स है तो प्रोडक्ट टर्म्स कितने होंगे? मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट टर्म्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स, फर्स्ट स्टेप वी राइट द ट्रू टेबल्स फॉर F1 एंड F2. F1 3 इनपुट्स ABC, F2 आल्सो 3 इनपुट ABC, आउटपुट F1 एंड F2, 3 बिट्स कॉम्बिनेशंस 0 0 0 टू 1 1 1, बोथ आर सेम. F1 आउटपुट्स इज गिवेन 457 इज मेन टर्म, मीन्स 457 आउटपुट इज 1 एंड F2 इक्वल टू 357, F2 इज मेन टर्म इज 1 357. नाउ राइट द डायरेक्ट equations from F1 and F2. F1 means 1, output is 100, means A B bar C bar, again A B bar C plus A B C. So write the equation terms F1 equal to ABC equal to M457, means F1 A B bar C bar plus A B bar C plus A B C. 7 is 1 1, so that A B C. F2 ABC equal to summations of 357, means F2 equal to A bar BC plus A B bar C plus A B C. Now we obtain the minimum SOP for F1 F2. हम F1 F2 के लिए minimum SOP निकालना sum of product. तो हमने 3 4 5 7 पे F1 1 1 है, तो 4 5 7 पे हमने 1 1 लिखा, 2 पेयर्स बने, 2 पेयर्स निकाले, इसको हम डायरेक्ट इक्वेशंस लिखे तो F1 इक्वल टू आता है AB बार प्लस AC. जस्ट F2 ए आल्सो राइट 1 3 5 7 पोजिशंस, 3 5 7 पोजिशंस पे 1 रखा हमने, यहाँ 2 पेयर्स बना, 2 पेयर्स का अगर हम इक्वेशंस लिखे तो F2 इक्वल टू BC प्लस AC. अब हम फोर्थ स्टेप है प्रिपेयर द PLA प्रोग्रामेबल टेबल. हम प्रोग्रामेबल टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम हम प्रोडक्ट टर्म रखें, प्रोडक्ट टर्म मतलब F1 F2 का जो प्रोडक्ट टर्म है उसको लिखेंगे. तो इसमें कॉमन्स AC बोथ F1 एंड F2 इन प्रेजेंट, सो कंसीडर ओनली 1 AC. तो नाउ 3 प्रोडक्ट टर्म AB बार AC एंड BC.
So prepare the now PLA programming table. Product are AB bar, AC and BC. Now second column is input or third column is output. Input is ABC, output is F1, F2. Now ABC means AB bar product are means A is 1, B bar means B equal to 0, C is not present in product are, so C is dash inputs. Now next AC, A equal to 1, C equal to 1, B is not present, B is dash. BC, A is not present, A is dash, B equal to 1, C equal to 1. Now F1, F2 outputs, F1 equal to, we are find F1 equal to AB bar plus AC. So AB bar is also present in F1, AC is also present in 1, F1 and BC is not present F1, so dash. F2 not present AB bar, so dash. F2 is present in AC and BC. So AC equal to 1 and BC equal to 1. Now we decide input to N matrix from the equations F1, F2. Input to N matrix are A, B bar, BC. So step 6, now inputs of our matrix are decided. Input of our matrix are A, B bar, AC and BC. So step 7 is the logic diagram is in drawn. A, B, C, 3 inputs in input buffer. The input buffer give the output A, A bar, B, B bar, C, C bar. Now product term is A, B bar, A, C and B, C. 3 product term in programmable table. We connect A, B bar. Connect for cross means connections. Not cross means not connections. The here connections is A, A, B bar. Connect in A and B bar. So N get the A, B bar. Now AC is connect A and connect in C, get AC, and BC means connect in B and connect in C, that is BC. This AB bar, AC and BC also connect in 2 output, F1 and F2 and OR gates. This OR gates is also input of this AND gates. The AND gate output F1 equal to A B bar plus AC. The connect A B bar or AC. The get A B bar plus AC. Now F2 is also AC plus BC. The connect at AC and BC. The F2 equal to get AC plus BC. This is the problem solving technique for PLA. In combinational, using PLA in combinational circuit. Thank you so much.